हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माय डीप क्लिंजिंग रूटीन। डीप क्लिंजिंग आपके चेहरे से सारी इम्प्यूरिटीज़ को दूर करने में हेल्प करता है। डीप क्लिंजिंग बेसिकली हमारी स्किन के अंदर जमी हुई डर्ट को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, जिससे हम सभी को ये प्रॉब्लम्स आता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड ओपन पोर्स। इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा वार्म वाटर, और आपको इसमें मिक्स करना है 1 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का। अगर आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें एक कॉटन को डिप करना है और अच्छे से आपको अपने नोज एरिया और चिन एरिया को क्लीन करना है। आप चाहे तो स्टीम भी ले सकते हैं, मगर याद रखिएगा स्टीम आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। स्टेप 2 में आपको प्रिपेयर करना है स्क्रब। इसके लिए आपको चाहिए होगा ऑरेंज पील पाउडर, कॉफ़ी, 1/2 टीस्पून हनी। इन सभी चीज़ों को रोज़ वाटर के साथ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना। स्टीम करने के तुरंत बाद आपको स्क्रब करना है। आपको इस स्क्रब से अपने नोज और चिन एरिया को अच्छे से 2 मिनट तक स्क्रब करके फेस वॉश कर लेना है। 3 में आपको बनाना है फेस मास्क। ये आपके ओपन पोर्स को क्लॉग करने में हेल्प करेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा सैंडलवुड पाउडर, रोज़ पाउडर, थोड़ी सी कसूरी हल्दी। इन सभी चीज़ों को गुलाब जल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस फेस मास्क को आपको अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है और 15 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके फेस से सारे इम्प्यूरिटीज़ को दूर करता है, और आपको वीक में एक बार करना है।